प्यारों, हम परमेश्वर की आराधना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आराधना के लिए। परमेश्वर ऐसे लोग चाहते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हो, हर समय में, चाहे अच्छा हो बुरा हो, अनुकूल हो या ना हो, लेकिन हर समय में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग परमेश्वर चाहते हैं। आए इस समय में भी हम परमेश्वर के चरणों में जाए उसकी आराधना करने के लिए। कहिए प्रभु से कि परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए अनुग्रह दीजिए, आप मेरे मुंह को खोल दीजिए परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से मैं आपकी आराधना कर पाऊँ। परमेश्वर से कहे प्यारो, कहिए प्रभु से, आप चाहे अपने घरों में हो, चाहे कहीं पर भी आप हमें सुन रहे हो, हमारे साथ इस आराधना में आप जुड़े हो, आप कहिए प्रभु से, प्रभु आज मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, सब कुछ मैं भूल जाना चाहता हूँ, आसपास क्या चल रहा है, किस परिस्थिति में हूँ, सब कुछ भूल कर वो परमेश्वर को याद करना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो बचाव करने वाला है, जो सुरक्षा प्रदान करने वाला है, जो संभाल रखने वाला परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर उसे मैं याद करना चाहता हूँ। कहिए प्रभु से, प्रभु सब कुछ भूलकर आपकी और ध्यान लगाने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। ये स्वाभाविक है प्यारों, इस नकारात्मक आसपास जो वातावरण है उसके बीच, इस लॉकडाउन के बीच, इस महामारी के बीच, आप काफ़ी कुछ ख्यालों में उलझे हुए होंगे, काफ़ी विचार आपके मन में चलते होंगे प्यारो, काफ़ी डर में, काफ़ी कई लोग डिप्रेशन में जीते हैं प्यारो। आइए प्रभु से कहे, प्रभु इस सब से उभर कर आज मैं आपकी ओर देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर हो, सबसे ऊपर हो परमेश्वर, और जब मैं आपकी ओर देखूँ आज मैं नया सामर्थ्य पाऊँ, नया बल पाऊँ, नया अनुग्रह पाऊँ। परमेश्वर अनुग्रह कीजिए कि आपकी ओर मैं देख पाऊँ इन सब बातों से उभर कर। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज जब हम आराधना में जा रहे हैं, आज जब हम आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं, हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, सब कुछ भूलकर, सबसे ऊपर कर हम आपकी ओर देखें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपकी आराधना कर पाए। परमेश्वर इस समय को आप आशीषित करें प्यारे पिता, इस समय के विरुद्ध कार्यरत हर एक दुष्ट आत्मा और शैतान के कामों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम निष्फल कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए कि इस समय में भी हम आपकी आराधना करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआ है, आप कबूल करिए प्यारे पिता, आमेन आमेन। प्यारो ये गाना मिलकर गाना चाहते हैं, गाने के शब्द है, यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। स्वाभाविक है आसपास प्यारो, हमारी आसपास जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, लॉकडाउन में हम हमारे जीवनों को पसार कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन इस कठिन समय के बीच भी प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें। प्यारो एक बहन थे जो एक विमेंस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद वो इतने डिप्रेस थे कि वहीं बैठकर रोने लगे, और उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे, निकल रहे थे, और बाकी के जितने भी बहनें वहाँ पर थी वो कॉन्फ्रेंस से चली गई। और जो मेन जो प्रीचर थे, लेडी प्रीचर, उन्होंने देखा कि अभी भी एक बहन है जो वहाँ पर बैठी है, रो रही है, डिप्रेस लग रही है, निराश लग रही है। वो उनके पास गए, उनके कंधों पर हाथ रखा और पूछा कि बहन क्या है, क्या समस्या है आपकी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। वो बहन ने जब उनको पूछा, वो लेडी और रोने लगी और बताने लगी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सारे प्रश्न मेरे जीवन में है, मैं इस समय में बहुत ही निराश हूँ, बहुत ही डिप्रेस हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, इतना दुख कम हो, इसके अलावा मेरे शरीर में ऐसा रोग है कि मैं चैन से जी नहीं पाती, चैन से सो नहीं पाती, चैन का जीवन मेरे पास आज नहीं है। और वो फिर से रोने लगी और कहने लगी, ऐसे समय में मैं क्या करूं, मेरे मन में सिर्फ प्रश्न ही आते हैं, मैं पूछती हूँ प्रभु से, प्रभु ये परिस्थिति क्यों है मेरे जीवन में। और ऐसे समय में वो बहन जो लेडी प्रीचर थे, उन्होंने सब बातों को सुना, उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें शांत कर कर बताया।
बहन आपने कभी पंछियों को देखा है जो कैद में होते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं? उन्होंने बोला, मैंने देखा है ऐसे पंछियों को जो पिंजरे में बंद होते हैं। वो लेडी प्रीचर ने बताया, क्या वो पंछियों को आपने देखा ध्यान से? ऐसी कैद में भी वो शांत नहीं बैठेंगे, ऐसी कैद में भी वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और उसके उत्पन्न करता की आराधना करना वो बंद नहीं करते। वो खुशी से, आनंद से चिल्ला चिल्ला कर उसके उत्पन्न करता को, जो उसको अन्न का दाना देता है, उसे भूलते नहीं। उस कैद की अवस्था में भी उसके उत्पन्न करता को धन्यवाद देते हैं। और वो बहन जो रो रही थी, उन्होंने अपने आंसू को पोंछा। उन्हें समझ में आ गया कि ये परिस्थिति में भी मुझे कुड़कुड़ाहट नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है। इस कैद में भी, इस प्रश्नों में उलझे हुए होने के बावजूद भी मुझे अपने उद्धार करता की, जो मेरी पूर्ति करता है, जो संभाल करता है मेरी, जो मुझे बल देता है, इस समय में भी उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। प्यारो, आइए, हम भी लॉकडाउन में एक प्रकार की कैद में है, लेकिन इस समय हमारा मुंह को बंद न करें। पंछियों को देखिए आप, चाहे कैद में हो, चाहे किसी भी समस्या में हो, वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं चूकते। हम भी इस कैद में, लॉकडाउन में भी अपने उद्धारकर्ता को, जो हमें अभी तक संभाले रखे है, जिसने अभी तक हमारी जरूरतों को पूरा की है, जो युक्ति करने वाला है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आइए उसे हम धन्यवाद दें। पौलुस ने और सिलास ने भी प्यारो लॉकडाउन में, कैद की अवस्था में परमेश्वर की आराधना की, उनके लिए कैद के बंधनों को तोड़ा गया। आइए हम आराधना करें ताकि हमारे भी इस कैद के बंधनों को तोड़ा जाए, इस महामारी के बंधनों को प्रभु तोड़े, और सर्वशक्तिमान प्रभु, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमारे लिए युक्ति निकाले। आमीन। आइए उसकी आराधना करते हुए गाना गाएं। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, मिलकर गाए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। सामर्थ्य यीशु ऐसा काम करता तू, मेरी माँ गौर समझ से परे। सामर्थ्य आत्मा तू मेरे दिल को, ताकि देखूं तेरे प्रबल को। सामर्थ्य यीशु ऐसा काम करता तू, मेरी माँ गौर समझ से। सामर्थ्य आत्मा छुए,
सामर्थ्य आत्मा छू मेरे दिल को ताकि देखूं तेरे प्रबल को। तू बड़ी युक्ति करने वाला चमत्कार तेरे शब्दों में, तू बड़ी युक्ति करने वाला चमत्कार तेरे शब्दों में। गाय कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे, कुछ भी कठिन नहीं तेरे। यीशु 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 ना सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ संभव है। गाय मिलकर यीशु ना सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ संभव है। लहू बहाया छुड़ाया तूने, हम गाते प्रभु धन्य तू। महिमा तेरी कलीसिया में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे। लहू बहाया छुड़ाया तूने, हम गाते प्रभु धन्य तू। ओ महिमा तेरी कलीसिया में पीढ़ी दर पीढ़ी। ऊंची आवाज में गाए, तू बड़ी युक्ति करने वाला चमत्कार तेरे शब्दों में, तू बड़ी युक्ति करने वाला चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे, मिलकर गाए विश्वास से, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं थे। यीशु के नाम से यीशु ना सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु ना सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ संभव है। एक और बार गा, यीशु यीशु ना सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ संभव। आप प्रभु विश्वास करते हैं, यीशु नाम सामर्थ्य ना, उसमें सब कुछ संभव है, उसमें सब कुछ संभव है, उसमें सब कुछ, उसमें सब कुछ संभव है। हालेलुया, यीशु के नाम में प्यारो, सब कुछ संभव है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्यारो। इस महामारी के बीच काफी प्रयत्न हो रहे उसे रोकने के लिए, उसमें से आजाद होने के लिए, बाहर आने के लिए, उभरने के लिए प्यारो। परमेश्वर के पास उपाय है प्यारो। हर एक प्रयत्न निष्फल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आए हम विश्वास करें, अपने हाथों को उठा कर कहे, प्रभु मैं और हम विश्वास करते हैं इस महामारी से हमें बचाने के लिए, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को बचाने के लिए आप युक्ति करने वाले हो, आप योजना करने वाले हो परमेश्वर। आपके पास ऑलरेडी योजना है परमेश्वर इस महामारी से बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए। पौलुस और सिलास को कैसे छुड़ाने के लिए आपके पास योजना थी परमेश्वर। परमेश्वर हम सब के लिए, हमारे देश राज्य और शहर के लिए भी आपके पास योजना है। आप सामर्थ्य परमेश्वर हो, कोई भी महामारी आपको बांध नहीं सकती, आपको काम करने से रोक नहीं सकती परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें से आप रास्ता ना निकाल सको, अब हर परिस्थिति से रास्ता निकालने वाले परमेश्वर हो। ये लॉकडाउन खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम से, इस समस्या से हम आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस समय में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आप युक्ति करने वाले हो, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारी गवर्नमेंट के प्रयत्नों को आशीषित करने वाले हो, हम धन्यवाद देते हैं। आप डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, उनके प्रयत्नों को आशीषित करने वाले परमेश्वर, हम आपके
नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके पास योजना है, हालेलुया। एक और गाना प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए गाए, हर समय के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्यारो काफी है। आई मिलकर गाए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है प्रभु, इस कठिनाई में भी प्रभु आपका अनुग्रह काफी है। दूसरे लोग निराश हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग दिन ब दिन नया बल पाते हैं, नया अनुग्रह पाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में जो है वो परमेश्वर की शांति, उनके पास जो है वो उनका बल नहीं है, परमेश्वर का बल है, उसका अनुग्रह है प्यारो। आई उसे धन्यवाद देते हुए कहा है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए। काफी है सारे जीवन के लिए तेरी योजना मेरे लिए। मिलकर गाए, मेरे लिए हानि की नहीं आशीषों की है। मिलकर गाए, आमेन मिलना मुश्किल हो खामोशी तन्हाइयों में दिल कहीं बेचैन न, पर मुझको है भरोसा यीशु पे ले जाएगा उसकी राहों पे, पर मुझको है भरोसा यीशु पे ले जाएगा उसकी राहों पर। मिलकर गाया, आमेन आमेन आमेन, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है सारे जीवन के लिए। मिलकर गाए, तेरी योजना मेरे लिए हानि की नहीं आशीषों की। कितने लोग विश्वास करते हैं ऊंची आवाज में, मिलकर गाए, आमेन आमेन कश्ती कहीं फंस न जाए, जीवन के लंबे सफर में दिशाएं बदल ही न जाए, पर मुझको है भरोसा,
पर मुझको है भरोसा यीशु पे, ले जाएगा अपनी राहों पे। लिखकर गाए, पर मुझको है भरोसा यीशु पे, ले जाएगा अपनी राहों। लिखकर गाए, आमे आमे आमे, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है सारे, जीवन के लिए है तेरी योजना, तेरी योजना मेरे लिए, मेरे लिए हानि की नहीं। आए विश्वास से गाए, आने की नहीं, सिर्फ आशीषों की है आमीन। अगर विश्वास करते हो तो अच्छी आवाज में गाए, क्या प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरी योजना मेरे लिए इस समय में भी हानि की नहीं प्रभु, सिर्फ आशीषों की है। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, ये महामारी खत्म होने के बाद, मैं सिर्फ आशीषों को देखूंगा, सिर्फ लाभ ही को देखूंगा। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में मिलकर गाए, आमेन आमेन आमेन। प्यारों अपने हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद दें और अपने विश्वास डिक्लेयर करें। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 के अनुसार तेरी योजना इस महामारी के समय में भी मेरे और हमारे लिए लाभ ही की है प्रभु। आखिर में मैं लाभ ही को देखूंगा, मैं नुकसान को नहीं देखूंगा। इस समय में भी परमेश्वर तूने मेरे लिए आशीषों को बनाए रखा है, तैयार रखा है। इस समय में से बाहर आने के बाद प्यारो विश्वास करिए, आपके पास गवाहियाँ होगी, आपके पास टेस्टिमनी होगी। आप आनंद से इस समय से बाहर आकर गवाही दोगे कि इस समय में भी प्रभु विश्वास योग्य बना रहा, इस समय में भी प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा किया, इस समय ने समय के बाहर आने के बाद प्रभु ने ये आशीष मुझे दी। आपके पास प्यारो गवाही होगी, आंसू होंगे लेकिन आनंद के आंसू होंगे, दुख के नहीं। विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ ही की है। इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के समय में भी आपके पास हमारे लिए उत्तम और श्रेष्ठ योजना है, आशीषों की योजना है, लाभ की योजना है। प्रभु हमें विश्वास करने के लिए अनुग्रह दीजिए कि आपका अनुग्रह हर समय हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद परमेश्वर, आदर मान और सम्मान हम आपके नाम को देते हैं। हमारी आराधना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता, आमेन और आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।